ओके, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. चैप्टर 3 इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो आप चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग ही पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? सो इन चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स we have studied about linear polynomial. तो linear polynomial क्या होता है? Linear polynomial means whose degree is 1. Degree आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है? Variable की degree 1 होनी चाहिए. Degree क्या होती है? Highest power of the variable. Degree is highest power of the variable. वो 1 होती है, उस polynomial को हम बोलेंगे linear polynomial. और equation के लिए क्या होगा? Equal to sign आ जाएगा, ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हम इसमें पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे. पेयर मींस टू इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो आपके पास टू इक्वेशंस गिवन होंगी ऑफ डिग्री 1 और दो वेरिएबल होंगे उसमें, ठीक है? वेरिएबल्स दो होंगे, एक्स एंड वाई होता है कॉमन, और भी कोई हो सकता है, बट आप देखोगे मोस्टली एग्जाम्पल्स में आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल मिलेगा. So, ये चीज हो गई. तो जनरल मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का. एग्जांपल क्या होगा? 3x, ठीक है? 3x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है? सो दिस इज पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री क्या है यहाँ पे देखो, पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? विच इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं इक्वल टू जीरो पुट करती हूँ तो अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब ये आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई है, वो भी इन टू वेरिएबल्स. क्लियर? तो जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, जनरल फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं. जनरल फॉर्म, व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है? यहाँ ए बी सी की प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया उसमें चेक करो, उस एग्जाम्पल में ए इज 3, बी इज 2 एंड सी इज माइनस 3, ठीक है? आपको इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी. क्लियर? सो हेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं. एंड एक कंडीशन होती है कि ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो, ये जीरो नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि जीरो हो जाएंगे तो आपके ये दोनों वेरिएबल्स भी नहीं बचेंगे. तो आपके क्या बच जाएगा, अगर मान लो ए जीरो है, ठीक है? इफ ए इज जीरो एंड बी इज ऑल्सो जीरो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट जीरो, ये भी जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी. अब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है? सो ए एंड बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसको नोट कर लो अभी आप. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस इन विच इक्वेशन हैज डिग्री 1, ठीक है? एंड वी हैव टू वेरिएबल्स. बस सिंपल ये दो चीजें होंगी. और लीनियर से आपको एक और चीज याद रखनी है, लाइन. अगर आप लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ पे. अगर आप ड्रॉ करते हो इस इक्वेशन को, जो मैंने एग्जांपल दिया इसको, अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी. क्लियर हो गया? नोट करो इसको. अपने शॉर्ट में नोट कर लो कि आपको समझ आ जाए बस. Yes, ma'am. Okay, so now we will discuss methods of linear equation, means how to solve linear equations. So methods to solve linear equations. आपके पास 4 methods हैं. Okay, first is substitution method. Second is elimination method. Third is cross multiplication.
एंड फोर्थ इज ग्राफिकल, फोर्थ इज ग्राफिकल मेथड। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड डिस्कस करना है हमें, सो वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास क्या होंगी, टू इक्वेशंस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेशंस, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, बिकॉज आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है ना, एक्स एंड वाई, सो इक्वेशंस भी टू ही होंगे आपके पास, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू आर कॉन्स्टेंट, वहां पे कोई नंबर हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, फर्स्ट मार्क दीज टू इक्वेशंस, देन नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास स्टेप वन, इन दोनों इक्वेशंस में से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी से। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल फ्रॉम एनी वन इक्वेशन, वो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, एनी वन वेरिएबल फ्रॉम एनी वन इक्वेशन, एंड मार्क दैट इक्वेशन एज थ्री। उसके बाद उस इक्वेशन को आप थ्री मार्क कर देना। ठीक है, इक्वेशन एज थ्री, उसको थर्ड मार्क करना। उसके बाद स्टेप टू है आपका, जो आपने एक जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड करी है, मान लो वन से फाइंड की है, तो वो इक्वेशन जो आपकी बनी है उसको पुट करना है इन सेकंड इक्वेशन, देन पुट दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अनदर इक्वेशन। अनदर का मतलब है जिससे आपने निकाली है ना, अगर इक्वेशन वन से निकाली है तो वन में पुट नहीं करना है, टू में, और अगर आपने टू से निकाली है तो उसको वन में पुट। इन अनदर इक्वेशन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, उसके बाद वैल्यू निकालनी है आपको बस वेरिएबल्स की। फिर तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सो मैं ये ऊपर वाला पार्ट रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, पहले एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपको बस पुट करना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, खुद कोई भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हो। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एलिमिनेशन करवाऊंगी तो दोनों से हम चेक करेंगे कि आंसर आपका सेम ही आएगा, वो तो आप किसी भी मेथड से करो। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 2x minus 3y plus 1, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन इज गिवन होगी, कुछ भी होगी, 4x plus 9y minus 3 is equal to 0, ठीक है। पहले आपको क्या कैसे कन्वर्ट करना है, हो सकता है आपके पास ऐसे इक्वेशन इस फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन हो सकती है, लेकिन इक्वल सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 3 गिवन है। क्लियर, सो हम पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट स्टेप ये भी होता है, आपको कांस्टेंट उधर ले जाना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में वन को उधर ले जाओगे तो आपके लिए इजी होगा सॉल्व करना। सो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, कांस्टेंट को लेके जाना है ऑन राइट हैंड साइड, सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब एक आपको एक किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड करना है, सो फ्रॉम इक्वेशन वन मैं फाइंड कर रही हूँ एक्स की वैल्यू। सो इक्वेशन वन में मैं क्या कर रही हूँ, देखो 3y को उधर लेके जा रहे हैं, तो दिस वुड बी 3y माइनस 1, सो एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 1 अपॉन 2। आपके पास ये आ गई है, यस मैम, x की वैल्यू आ गई। नाउ मार्क इट एज इक्वेशन 3, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्टेप 1 में इक्वेशन 3 आपको मार्क करना है। उसके बाद आपने इक्वेशन फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट किस में करोगे, इक्वेशन 2 में, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 4 into जो वैल्यू आपकी वो पूरी पुट कर दो, 4 इंटू
3y minus 1 upon 2. Clear? Plus 9y is equal to 3. So 2 cancel. इसको multiply करो 6y minus 2 plus 9y is equal to 3. 6y plus 9y is 15y and 3, 2 will go to that side. So 3 plus 2. So this will be 15y is equal to 5. y is equal to 5 upon 15, 1 upon 3. It means y की value क्या आ गई आपके पास 1 upon 3. Clear? इसके बाद आपको क्या करना है? Put this value of y in equation 3. आप किसी में भी put कर सकते हो देखो. 1 में भी put कर सकते हो y की value to find value of x. या to x में second में put कर सकते हो. But easy जो रहेगा आपके लिए. अगर आप equation 3 में put करते हो. So, हम इक्वेशन 3 में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं. मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है. एक ही स्टेप में हो जाएगा आपका. x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है. माइनस 1 अपॉन 2, तो 3 3 कैंसिल. आपका क्या जाएगा देखो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 0 आ गया. 0 अपॉन 2 इज 0. सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 0, ठीक है. क्लियर? तो y is 1 by 3 and x is 0. ये substitution method है. अभी next question मैं आपको देती हूँ, आप करना. ये note हो गया? Yes ma'am. इसको मैं rub करती हूँ. Question मैं आपको देती हूँ अभी solve करने के लिए. x ये इसको solve करोगे. सॉल्व करो तो फर्स्ट स्टेप है आपको मार्क करना है. उसके बाद एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक. सॉल्व करो एक वेरिएबल की. इक्वेशन 1 2 है. इसके बाद आपको क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. और क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो. तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं थोड़ा सा पार्ट सॉल्व कर देती हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 से मैं x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 plus 2y. This will be equation 3. अब आप equation 3 को put करो, ये x की वैल्यू put करो in equation 2. Now put value of x in equation 2. Put करो equation 2 में x की वैल्यू और फिर मुझे y की वैल्यू आप बताओगे अब क्या आ रही है आपकी. लास्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा था जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था. नो मैम, आप बोल रही थी तो समझ आ गया. नहीं, अभी अभी आपको मतलब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. नो मैम, इक्वेशन नहीं दिख रही. नहीं, कुछ भी दिख रहा है? बिल्कुल वाइट ब्लैंक आ रहा है क्या? नो मैम, आपका वीडियो आ रहा है. एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ. अभी बताओ शेयर हो गया? प्राकृत क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम. तो लास्ट क्वेश्चन आपको कहाँ तक दिखा था? उसमें मैंने इक्वेशन लिखी थी तो आपको दिख गई थी इक्वेशन तक? यस मैम. तो उसके बाद नहीं दिखा? यस मैम. कोई बात नहीं, अब पहले ही बता देना मुझे. अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है ना ऐसी तो मुझे पहले ही बता देना. यहाँ पे इक्वेशन 1 आपको गिवन x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. इक्वेशन 2 इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ. तो 2y इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. सो दिस विल बी 3 इनटू 5 प्लस 2y. Yes, ma'am. Plus 4y is equal to 2. Equals to 2. अब इसको मुझे सॉल्व करो और मुझे आप y की वैल्यू बता दो. Yes, ma'am. Okay, एक मिनट आया हुआ आपके पास.
मैम y की वैल्यू आ रही है -13/10 -13/2 जो चेक कर लेते हैं मैम 10 -13/10 10 ओके मैम यस 6y + 4y is equal to 2 क्लियर सो दिस विल बी 6 + 4 10y is equal to 2 -15 सो y is -13/10 ठीक है प्रॉब्लम नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करोगे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करना ठीक है यस मैम पुट वैल्यू अब x की वैल्यू मुझे आप बताओ यस मैम ओहो मस्त पक गया है मुझे आ रहा है 12/5 12/5 यस मैम ओके 5 -13/5 नाउ वी विल टेक एलसीएम यस मैम चेक कर एलसीएम दिस विल बी 25 -2 ठीक है प्रॉब्लम आपका ठीक है एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं उसके बाद मैं आपको एलिमिनेशन मेथड और करवा देती हूं यस मैम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया है ना यस मैम ठीक है तो एलिमिनेशन ही करते हैं ठीक नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड सो इन एलिमिनेशन मेथड वी विल एलिमिनेट वन वेरिएबल एक वेरिएबल किसी भी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है मींस वो कैंसिल हो जाना चाहिए यस मैम सो इन एलिमिनेशन मेथड फॉर एग्जांपल वी हैव टू इक्वेशंस a1x b1y + c1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 elimination method में भी आपको constant को इधर ही लेके जाना है ठीक है yes ma'am the first step होगा आपको constants को लेके जाना है on right hand side then उसके बाद जो step है आपका then make coefficients of any one variable equal किसी भी एक variable का या तो x के coefficient equal बनाओ जैसे यहाँ पे आपका x का coefficient क्या है a1 यहाँ पे coefficient of x is a2 Similarly, coefficient of y is b1 and here coefficient of y is b2. So, make any one coefficient means या तो आप x का coefficient equal कर दो दोनों या b का वो multiply करके होगा. So then इसके बाद convert करने के बाद इस form में convert करने के बाद make coefficients of any one variable equal. Equal by multiplying with a constant. किसी नंबर से multiply करोगे? Clear? Next step है जो आपका important step है. कुछ check करना है कि coefficients के sign क्या है. If sign of coefficients इक्वल तो हो गया उसके बाद आपको साइन चेक करना है दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो दो केस हो सकते हैं या तो साइन ऑफ कोफिशिएंट्स इज सेम या तो सेम हो सकता है और साइन ऑफ कोफिशिएंट्स इज ऑपोजिट ठीक है एक प्लस एक माइनस उस केस में आपको क्या करना है अगर सेम है तो देन सबट्रैक्ट And if opposite, then add the equation. Clear? So, अभी question में ये चीज हम solve करेंगे तब आपको और अच्छे से clear होगा. So, अगर same है तो आपको subtract करना है. And if signs are opposite, then we will add the equation. Clear? अब मैं आपको एक example करा देती हूँ. वो सिर्फ आपको समझाने के लिए आप ये step note कर लो बस. Okay? ये वाला इम्पोर्टेंट स्टेप है आप शॉर्ट में नोट कर लो वैसे दोनों ही स्टेप ये आपको यस सर Yes, ma'am.
अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं. सो क्वेश्चन 3x माइनस y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड. आपको क्वेश्चन हमेशा मेंशन करना है आप जो भी मेथड से कर रहे हो क्वेश्चन. सो बाय एलिमिनेशन मेथड अभी हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं. तो जो इजी रहेगा आपके लिए उसका बनाना. जैसे इसमें आप x का भी इक्वल कर सकते हो, बट x के लिए आपको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से. सो वी विल मेक कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल. उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना. यस, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. We get 6x minus 2y is equal to 4 to the 8. So, dono side multiply yes, karna hai. On left hand side and on right hand side also. So, this will be third equation. Okay. So, hum solve in equations ko karenge second and third. Ab aapko check karna hai ki coefficients ka sign kya hai. Opposite hai, to opposite mein aapko add karna hai. Okay. Now, adding equation 2 and equation 3. So 2x plus 2y is equal to 7 and 6x minus 2y is equal to 8. Add karenge direct. So you can see 6, 8x is equal to 15. So x is 15 by 8. नेक्स्ट स्टेप है, आपको अब x की वैल्यू आ गई है तो अब आप करोगे y की वैल्यू फाइंड. तो आप किसी से फाइंड कर सकते हो, आपके पास अब तीन ऑप्शंस हैं. उसके जैसे नहीं है, जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन में होता है कि इजी मेथड होता है अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करते हो, बट इसमें आप किसी में पुट करो तो खुद देखो अगर आपको जो इक्वेशन में सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना उसमें करो. तो इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें आपको कम ही करना पड़ेगा. अपॉन में उसमें भी आएगा तो आप 2 में पुट कर लो, किसी में पुट कर सकते हो. सो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. सो 3 इनटू 15 बाय 8 माइनस y इज इक्वल टू 4. सो 45 अपॉन 8 माइनस y इज इक्वल टू 4. 4 इधर आ जाएगा. 13 by 8. Yes, अच्छा ये माइनस आएगा. हाँ ठीक है आपकी 13 by 8. ओके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. एक आप मुझे बताओगे ऐसे एलिमिनेशन मेथड से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं इजी दे देती हूँ आप इस बार, छोटा सा ताकि जल्दी हो जाए. 2x फाइंड करो, x एंड y कंप्लीट सॉल्व करो और मुझे x एंड y दोनों की वैल्यू बताओ. यस मैम, बाय एलिमिनेशन मेथड. आप सब्स्टिट्यूशन से अभी मत करना, एलिमिनेशन से करना. यस मैम. नेक्स्ट टाइम बोला जो डाउट
मैम वाई की वैल्यू आई है माइनस थ्री बाई फाइव. किसकी वैल्यू मैम? वाई वाई इज माइनस थ्री बाई फाइव. एंड एक्स इज एक्स सेवन बाई फाइव. चेक कर लेते हैं जल्दी से. दिस इज इक्वेशन वन. आपने क्या किया, किसका कोफिशिएंट इक्वल किया था? टू का, मींस एक्स का. यस मैम. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय टू वी विल गेट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. उसके बाद आपने किया था सब्ट्रैक्ट. ओके सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम. दिस विल बी माइनस. ठीक है, दोनों आपके आंसर्स करेक्ट हैं. अब मैं एक बार आपको एक टेबल करा देती हूँ. दो मेथड हमने डिस्कस कर लिया, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट क्लास में, वैसे भी नेक्स्ट क्लास आप कंबाइन करोगे उन बच्चों के साथ, तो उनका ग्राफिकल मेथड भी हो गया है, तो उसमें कुछ नहीं है. मैं चलो आपको ग्राफिकली करवा देती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा सा मेथड है. ग्राफिकल में क्या होगा, इन इक्वेशंस को मैं आप सॉल्व कर दूंगी. सो इन ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है, इक्वेशंस को ड्रॉ करना है. तो आपको क्लास 9 में आप कर चुके हो कि कैसे आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो. तो हम इन्हीं इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं पहले, जो अभी आपकी स्क्रीन पे है ना, इन्हीं इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, ये ओरिजिन है. सो फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ. एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वाई. ठीक है, here x is equal to 2 plus y. Now make table and find 3 points. आपको 2 points नहीं find करने हैं, book में हमेशा 2 points मिलेंगे आपको, but आपको exam में हमेशा 3 points ही निकालना है. क्योंकि 2 points तो अगर आप गलत भी निकाल लोगे ना, तो आपकी line straight ही बनेगी. 2 point तो कहीं भी बनाओ तो उसकी तो straight ही बनेगी. इसलिए आपको ना minimum 3 points निकालने होते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके तीनों जो आपने पॉइंट, तीनों जो वैल्यूज निकाले हैं ना, वो ठीक है. तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स निकालने हैं. सो फर्स्ट मैं पुट कर रही हूँ, y को पुट करते जाते हैं. ठीक है, व्हेन y इज 0 x इज 3, सॉरी x इज 2, व्हेन y इज 1 x इज 3, व्हेन y इज माइनस 1 x इज 1. तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए ना, 2 0. नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 1 माइनस 3y अपॉन 2. क्लियर, अब इसे के हम तीन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं. आपको ऐसे वैल्यूज फाइंड करनी है कि आप पुट करो ना, तो आपका आंसर अपॉन में ना आए. ट्राई करना है कि पूरा इंटीजर फॉर्म में आए. तो अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ ना, तो अपॉन में आंसर आ रहा है. तो मैं अभी इस क्वेश्चन में 1 पुट कर रही हूँ. पुट y इज इक्वल टू 1. तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 1 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन वी विल पुट y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4 अपॉन 2 2. नेक्स्ट इज व्हेन वी विल पुट y इज इक्वल टू, पुट करते हैं कोई ऑड नंबर ही पुट करना, क्योंकि इवन पे आपका अपॉन में आएगा. तो 3 पुट कर रही हूँ. ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 9, माइनस 8 अपॉन 2 इज माइनस 4. ठीक है, हम प्लॉट करते हैं. फर्स्ट इज 2 0 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2. ये तो फर्स्ट में इसके पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ. 2 0 देखो, 2 0 फर्स्ट पॉइंट यहाँ होगा, 3 1 आपका यहाँ होगा, 1 2 3 4. नेक्स्ट इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. उसके बाद 2 0 आ गया आपके पास, 3 1 यहाँ होगा, 1 माइनस 1 वो यहाँ होगा. ठीक है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई है. क्लियर, उसके बाद आपको इक्वेशन पे ही लिखना है कि कौन सी इक्वेशन है. जैसे ये इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू, तो ऐसे शो करना है. नेक्स्ट इज माइनस 1 1, तो माइनस 1 1 इसके लिए ये पॉइंट होगा. अब ये वाला प्लॉट कर रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ होगा. नेक्स्ट इज माइनस 4 2, तो माइनस 4 2. ठीक है, यहाँ होगा.
यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड लाइन ड्रॉ हो गई, क्लियर। सब स्ट्रेट लाइन है, इट मींस हमारे सारे वैल्यूज करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज 2x + 3y - 6। अब इस ग्राफ को आप देखो, ये ग्राफ कैसा है, कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन का है, एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट पे, क्लियर। मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपके कितने कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं, ओनली वन, मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मींस वन सॉल्यूशन। दोनों में कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन, क्लियर हो गया। आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। अब आपको ये आ गया, बस मैं एक टेबल बनवा रही हूँ आपको, ये फिर टाइम हो रहा है, क्लास ओवर हो जाएगी, क्लास 40 मिनट्स की होती है, ठीक है। सो हम एक टेबल कर रहे हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, a1x given y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो आपके पास यहाँ ग्राफिकल जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास तीन केसेस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस इज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। A1 A2 क्या है, कोफिशिएंट्स है यहाँ पे, A1 A2 आप रेशियो चेक करना, ठीक है। A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। अगर ऐसा केस बन रहा है, उस केस में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। मतलब आप बिना प्लॉट किए ग्राफ को चेक करके, ये अगर इतना चेक कर लोगे ना, तो बिना प्लॉट किए बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास केस हो सकता है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सब कुछ इक्वल हो गया, उस केस में आपकी लाइंस ओवरलैपिंग ओवरलैप करेगी, ठीक है, ओवरलैपिंग बोलो, और कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड मींस भी ओवरलैप ही होता है, सो कोइंसिडेंट लाइंस। इस केस में आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो एक लाइन ऐसे बनेगी, जो सेकेंड लाइन होगी वो भी इसके ऊपर ही बनेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्लियर। सो इस केस में कॉमन सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफिनाइट। सो हियर वी हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक लास्ट केस है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीन केसेस बन सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में आपके, अगर जैसे आपने चेक किया a1 upon a2 b1 upon b2, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो आपको c1 c2 चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपको c1 c2 के लिए भी चेक करना है, और हो सकता है कि c1 c2 ही इक्वल हो, ठीक है। तो लास्ट केस में कैसे बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी आपकी। पैरेलल लाइंस में आप खुद देखो, आप कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, जैसे इंटरसेक्टिंग में आपके पास एक सॉल्यूशन कॉमन था, इसमें सारे ही कॉमन सॉल्यूशन है, मींस इनफिनाइट। पैरेलल में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, सो हियर वी हैव नो सॉल्यूशन, क्लियर। अब एक और होता है, कंसिस्टेंट लाइंस किसको बोलते हैं, इफ ए लाइन हैज सॉल्यूशन देन वी विल से दैट लाइंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, चाहे कितना भी हो, एक हो या एक से ज्यादा उसके आंसर्स हो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ आपके इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। तो ये दोनों जो केस है ना, फर्स्ट सेकंड केस, वो कैसे केस है, कंसिस्टेंट लाइंस के केस है, ठीक है। ये कौन सी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट, और इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये टेबल आपको रिवाइज कर लेना क्लास के बाद, और आपके तीन मेथड्स हो गए, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचा है, वो मैं कभी आपको और करा दूंगी। अभी हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्लास में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया मैंने, तो वही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप ये नोट कर लो, फिर क्लास ओवर करते हैं, टाइम हो गया है, ओके। Yes, ma'am. Okay, done. अभी कोई डाउट है तो बताओ मुझे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल में या इस टेबल में कोई डाउट है अभी आज की क्लास में? मैम ये जो आपने बोला कि ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई की तीन वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें तीनों वैल्यूज का ग्राफ बनाना पड़ेगा? हाँ, मैंने तीनों ही पॉइंट्स प्लॉट किए थे, जैसे अगर आपने तीन वैल्यूज फाइंड किए ना, एक्स वाई 1 2
जीरो माइनस वन, मैं कुछ भी अभी ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास थ्री पॉइंट आ गए ना, फर्स्ट पॉइंट इज 1, 2, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज 0, -1, तीनों ही आपको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, तभी तो आपको पता लगेगा अगर वो तीनों एक ही लाइन पे बन गए, मान लो दे विल लाई हियर, देन वी हैव स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि अगर आपने दो प्लॉट किए ना कोई भी दो, तो उसका तो हमेशा ही स्ट्रेट ही बनेगा, तो आपको ना क्लियर नहीं होगा कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो सही है या नहीं है, तीनों ही प्लॉट करने हैं, ओके ओके मैम, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप अपनी बुक से क्वेश्चंस कर लेना इन तीनों मेथड्स पे जो भी है, जितना मैंने कराया ना बुक से आप सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक, चलो क्लास ओवर करते हैं अभी, ओके okay?